हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12th बैंकिंग बुक से सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझा दूंगा, साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हर साल आते रहते हैं और इस साल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट लगे या फिर दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करके पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग आरबीआई के बारे में बात करेंगे। आरबीआई के बारे में बात करेंगे, कुछ आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि आरबीआई कहाँ से स्टेब्लिश हुआ था और वो कैसे कैसे फैला। फिर आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर आरबीआई के फंक्शंस और सुपरवाइजरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फिर रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर और भी बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, तो उसको समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आरबीआई को जो सेटअप की गई थी वो थी हिल्टन यंग रिकमेंडेशन कमीशन रिकमेंडेशन के ऊपर आरबीआई को सेटअप किया गया था। आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह लो या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह लो, दोनों एक ही है। हर देश में एक ऐसी सेंट्रल बैंक होती है। तो जब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था तो उसकी जो पेड अप कैपिटल थी वो 5 करोड़ की थी और उसको एस्टैब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इनिशियली इसका लोकेशन जो था यानी कि हेड ऑफिस जो थी वो कोलकाता में थी और उसके बाद इसको चेंज करके मुंबई में कर दिया गया इन 1937। इनिशियली ये प्राइवेटली ओन था लेकिन 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। इसके 22 रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि ज़्यादातर स्टेट्स कैपिटल में हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जब से आरबीआई को नेशनलाइज किया गया उसके बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। इसकी जो पहली सबसे पहली गवर्नर थी यानी कि सॉरी था वो हमारे सर ऑसबोर्न ए स्मिथ, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक। और जो सबसे पहला इंडियन गवर्नर था वो था हमारा सर डी देशमुख, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक था। ये तो था हमारा आरबीआई का एक शॉर्ट हिस्ट्री। उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आरबीआई की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो सबसे ऊपर जो होता है वो गवर्नर होता है, गवर्नर के नीचे डिप्टी गवर्नर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल चीफ जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके बाद सपोर्ट स्टाफ। तो ये तो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ आरबीआई। उसके बाद देखते हैं रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आरबीआई का क्या रोल है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखी है। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉपर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर और मिसेलेनियस, यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की काम जो है वो आरबीआई किया करती है। उसके बाद देखते हैं आरबीआई के फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है। तो इन फंक्शंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा लेकिन पहले बता देता हूं कि कौन सी ये फंक्शंस है। तो आरबीआई करेंसी इशू करती है, डेवलपमेंट रोल प्ले करती है, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, फिर रोल ऑफ इन्फ्लेशन किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, फिर फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे बनाते हैं, फिर मैनेजर ऑफ फॉरेन रिजर्व को किस तरीके से मैनेज करते हैं, फिर क्लियरिंग फंक्शन यानी कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो ये सारे कुछ आरबीआई के फंक्शंस हैं जिनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है इशू ऑफ करेंसी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे नोटों को छापने का काम करती है सिवाय 1 रुपया नोट और बाकी सारे क्वाइंस। तो क्वाइंस जो है और 1 रुपये का नोट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आता है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, लेकिन बाकी सारे करेंसीज को छापने का डिस्ट्रॉय करने का जिम्मेदारी जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही ऊपर होता है। अच्छा, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है डेवलपमेंट रोल। तो डेवलपमेंट रोल में किस तरीके से आरबीआई रोल प्ले करता है, वो एक अच्छी क्वालिटी की बैंकिंग सिस्टम
को डेवलप करता है भारत में यानी कि इंडिया में, उसके बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस है ताकि नेशन की ऑब्जेक्टिव्स है उसे सपोर्ट की जा सके। फिर ये क्या करते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और उनके द्वारा जो है ना सबको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नबार्ड हो गया, IDBI हो गया, तो ये सारे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनके द्वारा RBI हमको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से हमारे लिए भी कुछ कुछ बैंक्स हैं जैसे कि SBI, PNB है ना, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट को अगर कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को तो RBI उन्हें लोन देती है। तो यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, बाकी सारे इंडिया में, लेकिन ये पहले की नोट्स है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पहले थी अब इन आर्टिकल्स को चेंज कर दिया गया है। अब जो धारा लगी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो कि स्पेशल स्टेटस था उसको रिमूव कर दी गई है। अब जो RBI का रोल है पूरे भारत में वो सेम है हर किसी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है बैंकर टू बैंक, यानी कि सारे बैंकों का बैंक। जिस तरीके से हमारे लिए भी बैंक है उस तरीके से बैंकों के लिए भी बैंक है वो RBI। तो RBI ये सारे चीज़ों को मेंटेन किया करती है, मेंटेनिंग बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक, यानी कि सारे शेड्यूल बैंक्स का अकाउंट मेंटेन किया करती है RBI। ठीक है, इससे हम लोग एक चीज़ और समझ सकते हैं कि RBI जो है ना लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है। अगर बैंकों को किसी भी तरीके की पैसे की ज़रूरत पड़ती है या फिर फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत पड़ती है तो वो एकमात्र है RBI ही उन्हें बचा सकता है या फिर उन्हें वो पैसे दिलवा सकता है। तो लास्ट होप है RBI, इसीलिए उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। ये भी आप फंक्शंस में लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रोल ऑफ RBI इन इन्फ्लेशन। तो RBI का क्या रोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल में? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है अगर डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाए तो उसकी प्राइस भी जो है अचानक बढ़ जाती है, और अचानक से प्राइस बढ़ जाना उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। RBI के पास दो पॉलिसीज है, एक पहला है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि रिलेट करता है इंटरेस्ट रेट से। जब बैंकों की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी जाती है तो क्या होता है, लोग जो है बोरो कम करते हैं, यानी कि पैसे उधार कम लेते हैं, लोन कम लेते हैं और वो सेविंग करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरी जो पॉलिसी है वो है फिस्कल पॉलिसी, ये रिलेटेड टू है डायरेक्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर दी जाती है देन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल को रिड्यूस एंड देन द डिमांड जो है उस तरीके से रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है RBI द्वारा। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, या फिर हम लोग इसे एक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं RBI की फंक्शन, जो कि है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी कि मार्केट में कितना पैसा होगा और उसे कौन कंट्रोल करेगा और उसे कितनी क्रेडिट फैसिलिटी मिलनी चाहिए और उस क्रेडिट को कौन कंट्रोल करेगा, ये सब तय करता है RBI। यहाँ पे हम लोग दो मेजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक पहला मेजर जो है वो है क्वांटिटिव, या फिर आप इसे जनरल मेथड भी कह लो। क्वांटिटिव का मतलब होता है कितनी मार्केट में कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए क्रेडिट फैसिलिटी की, या फिर मार्केट में कितनी पैसे होने चाहिए, 100 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़, तो ये कौन तय करता है, ये है क्वांटिटिव मेथड, यानी कि जनरल मेथड भी हम इसे कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है क्वालिटिव या फिर सेलेक्टिव मेथड भी कह लो। तो क्वालिटिव का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि मार्केट में 80 करोड़ रुपये है, तो उसे उसमें से मान लो कि 50 करोड़ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना है और 30 करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, तो इसमें क्या किया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, एग्रीकल्चर को 50 बना दिया जाएगा और इसको 30 बना दिया जाएगा। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको कंट्रोल करता है क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं बैंक रेट के बारे में। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बैंक रेट, तो मार्केट में कितना पैसा रहेगा या फिर कितना पैसा निकालना है ये RBI तय करती है। कैसे तय करती है, देखो मान लो कि आप कस्टमर हो और ये SBI है और ये RBI है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको अगर लोन चाहिए तो आप SBI के पास जाओगे, और अगर SBI को लोन चाहिए तो वो RBI के पास जाएगा। तो RBI अगर मान लो कि SBI के लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, तो जब SBI आपको लोन देगी तो वो आपको ज़रूर है कि वो 14% पे देगी, बीच का मार्जिन तो वो खुद रखेगी।
और अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि मार्केट से उसे पैसा निकालना है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा इस रेट को 12% को वो 14% बढ़ा देगा। जैसे ही 14% बढ़ाएगा तो SBI भी आपका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बढ़ा के 16% 17% कर देगा। तो जब आपको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप पैसा नहीं लोगे, और जब पैसा नहीं लोगे तो पुरानी किस्त ज़रूर है कि कस्टमर्स पे आउट करेंगे SBI को और SBI पे आउट करेगा RBI को। तो इस तरीके से पैसा जो है वो निकल जाता है मार्केट से। और अगर जब लगता है RBI को कि पैसा फिर से मार्केट में पंप आउट करना है, तो वो इसी इंटरेस्ट रेट को फिर से दोबारा से वो कम कर सकता है, वो 14% से हो सकता है वो 10% कर दे, और उसके बाद SBI आपको क्या कर देगा, वो हो सकता है फिर 12% कर दे और कम कर दे। तो इससे क्या होगा, अब आपके अंदर फिर से इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ अब लोन लेनी चाहिए। तो इस तरीके से बैंक रेट को कमा के या फिर बढ़ा के RBI जो मार्केट के पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके बाद एक और चीज़ है रेपो रेट। तो क्या है ये रेपो रेट? तो अगर बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज ऑफ फंड, तो फिर बैंक क्या करते हैं, वो सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। तो जब वो उधार लेते हैं तो रेपो रेट हम उसे कहते हैं जिस रेट से बैंक जो है RBI जो है वो इंटरेस्ट पे लगाती है दूसरों बैंकों पे पैसा, यानी दूसरे बैंकों पे जो वो पैसा देती है उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अगर इस रेपो रेट में रिडक्शन हो तो बैंकों को आसानी से चीफर रेट में पैसा मिल जाता है। अगर बैंकों को आसानी रेट में या फिर चीफ रेट में पैसा मिले तो ये आपके लिए भी आसान होगा, आपको भी चीफ रेट में मिलेगा। लेकिन अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो बैंकों को बहुत मुश्किल होता है पैसा लेने में, या फिर ये मोर एक्सपेंसिव होता है, और अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आपको भी ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो जिस रेट पे RBI दूसरों बैंकों को लोन देती है उससे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद है रिजर्व रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट क्या है, जब बैंकों के पास ज़्यादा फंड हो जाए तो बैंक तो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती है, उसे वो क्या करती है, वो रिजर्व बैंक को RBI को वो जमा कर देती है RBI के पास। तो जब RBI इस पैसे पे उसे कुछ इंटरेस्ट रेट देती है उसे हम लोग कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले बैंकों को तो वो आपको लोन नहीं देके वो रिजर्व बैंक के पास वो जमा करने की कोशिश करेगी। तो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में दोनों में एक बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है हमारा CRR, तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आप बैंक वाले हो और आपके पास आया 1,000 रुपया, जिसे हम लोग LRR भी कहते हैं। इस 1,000 में से आप क्या करोगे, इस 1,000 में से 800 रुपया, मान लो कि 800 रुपया आप क्या कर रहे हो, लोन पे चढ़ा दे रहे हो, और बाकी जो 200 रुपया है वो आपके पास रख रहे हो। ये 200 रुपया फिर आप दो अलग अलग भागों में बांट दे रहे हो, 100 रुपया और 100 रुपया, ये अलग अलग भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये 100 रुपया आप RBI के पास जमा करवाओगे, किसके पास, RBI के पास जमा करवाओगे इन कैश। ये कुछ परसेंट में जमा करवानी होती है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। अगर मैंने ये 200 को आधा आधा बांटा, यानी कि 50% में जमा करवा रहा हूँ RBI के पास, तो इसे हम लोग कहते हैं CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। और ये जो बचा 100 रुपया रह गया, इसे हम लोग कहते हैं SLR, ठीक है, जिसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले। तो इसको मैं एक ही चीज़ से समझा दे रहा हूँ, यानी कि मान लो आपके पास 1,000 रुपया है, तो आप क्या कर रहे हो, 800 रुपया लोन पे चढ़ा रहे हो और 200 रुपया अब अपने पास रख रहे हो। इस 200 रुपया में से कुछ पैसे आपको रिजर्व बैंक के पास जमा करवाना होता है और कुछ पैसे आपके पास रखने होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ ट्रांजेक्शन के लिए अगर कोई बंदा आया बैंक से पैसा निकाल लें या फिर ATM से पैसा निकाल लें, तो आपके पास पैसा होना चाहिए डे टू डे लाइफ ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो उसे हम लोग कहते हैं SLR, और जो हम RBI के पास जमा करते हैं उसे हम लोग कहते हैं CRR। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये है हमारा SLR। SLR का मतलब क्या है, वो पैसा जो हम अपने पास जमा रखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेज़र हमारा क्या था, नेक्स्ट मेज़र है हमारा क्वालिटेटिव मेज़र। तो क्वालिटेटिव मेज़र में सबसे पहला आता है डायरेक्ट एक्शन। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, डायरेक्ट एक्शन लेती है कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में, अगर वो किसी भी रूल को वायलेट करे या फिर ऑर्डर या फिर एडवाइस को ना माने तो उसे पनिश भी करती है RBI। उसके बाद है मोरल पर्सुएशन। तो ये भी एक तरीके से मोरल प्रेशर बनाने की कोशिश करती है RBI दूसरों बैंक को या फिर बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा
लेजिस्लेशन, तो सेंट्रल बैंक मे ऑल्सो एडॉप्ट नेसेसरी लेजिस्लेशन फॉर एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग क्रेडिट मनी इन द मार्केट। और आखिरी पॉइंट है हमारा पब्लिसिटी, तो सेंट्रल बैंक मे रिसोर्ट ए मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, वो कैंपेन कर सकता है जिससे न्यूज़पेपर में छपवा सकता है, मैगजीन में या फिर जर्नल्स में, है ना, तो इस तरीके के वो काम कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं पब्लिसिटी। तो ये तो था हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर जो कि हर साल आते रहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये है हमारा राइट एन एसे और ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरबीआई के, फिर उसके डायरेक्टर्स के बारे में है, सेंट्रल बॉडीज के बारे में है। फिर ये देखिए 2009 और 2012 में आ चुका है, नेम एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है हम लोगों ने बहुत हद तक, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में है, जैसे कि नोट इशू हो गया, या फिर बैंकर एजेंट या फिर एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, बैंकर्स बैंक, है ना। फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर लास्ट ऑप्शन अगर बचा होता है किसी भी बैंक के पास तो वो आरबीआई होता है जो उसे पैसा प्रोवाइड करवा सकता है। फिर क्लियरिंग एजेंट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये सब सारे फंक्शंस हैं आरबीआई के। तो अगर ये डिटेल में अगर आंसर आया तो आपको इतना पूरा लिखना होगा। उसके बाद एग्जामिन अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके कुछ अचीवमेंट्स भी है और उसके कुछ फेलियर्स भी है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, प्रमोट किया डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, प्रमोशन किया गया रूरल क्रेडिट को, तो ये सारे कुछ प्रमोशन की गई है आरबीआई द्वारा। लेकिन कुछ कुछ फेलियर्स भी है, जैसे कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन, पुअर फॉरेन ट्रेड परफॉर्मेंस, एब्सेंस ऑफ टाइमली असिस्टेंस, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, फेलियर इन प्रोवाइडिंग एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर, तो ये सब सारे कुछ फेलियर्स भी हैं आरबीआई के। नोट इशू के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से नोट, ये देखिए आप 2002-2004 में आया हुआ, एक बार 10 मार्क का, एक बार 5 मार्क का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। हिल्टन यंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको, फिर ये सब कुछ क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता ही आता है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल क्रेडिट, तो किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को कंट्रोल करता है। देखिए 2002-2004-2008 हर साल ही आता है ये, 5 मार्क या तो 10 मार्क के लिए। तो प्राइस स्टेबिलिटी है इसका आंसर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करती है ये, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हो, है ना, ये सब। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द मेथड यूज बाई आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल में, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया बैंक रेट, है ना, जिसे डिस्काउंट रेट या फिर डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी कहा जाता है, ओपन मार्केट। फिर CRR हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, रिजर्व रेपो रेट, रेपो रेट, तो वही सारी ये क्वालिटेटिव मेथड्स। आप क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द पॉलिसीज ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन ऑफ आरबीआई, तो ये आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट अगर हो तो। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन भी मैं दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लेना आप, या तो आप क्वालिटेटिव मेथड या फिर क्वालिटेटिव मेथड दोनों के बीच में, और बैंक रेट और ओपन मार्केट रेट के बीच में भी आप पढ़ लेना, ठीक है। ये है क्रिटिकल फुल एम्प्लॉयमेंट, अच्छा तो ये सब है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो राइट है, नोट ऑन क्लियरिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के क्लियरिंग फंक्शन के बारे में 2003 और 2007 में भी आया हुआ है, तो ये है लास्ट आंसर हमारा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने के साथ साथ समझ में भी आया होगा। पसंद आया है, समझ में आया है, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेके। अगर आपको लगता है कि कोई भी वीडियो बनानी चाहिए मुझे 10th 11th 12th किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप उस सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम ज़रूर बताएं। धन्यवाद।